ये इवॉल्व हुई है, और जब इवॉल्व हुई है आस्था तो उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस महान परंपरा को हम और अधिक उजागर कैसे करें, और अधिक ओजस्वी तेजस्वी कैसे बनाएं, यह हमारा दायित्व है। अभी दत्तू साहब कह रहे थे क्वालिटी मैन पावर के लिए, आज तो हम भाग्यवान हैं कि आज हमारे पास इस क्षेत्र में जो मैन पावर है उसके लिए हम गर्व का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारा यह भी दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों में कैसा मैन पावर इस क्षेत्र में आएगा। और इसलिए हमारे जितनी चिंता इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, जितनी चिंता डिजिटल फॉर्म में आधुनिक टेक्नोलॉजी के फॉर्म में अपनी इस व्यवस्था को ढालने की है, उससे अधिक हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हम आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए इस फील्ड के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मैकेनिज्म क्या हो, उत्तम से उत्तम ब्रीड लॉ फैकल्टी में कैसे आए, उत्तम से उत्तम ब्रीड जुडिशरी में कैसे जाए। और इसलिए हमारी इस काम के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राज्य सरकारों की सबसे जिम्मेवारी है कि हमारी लॉ कॉलेजेज हो, लॉ यूनिवर्सिटीज हो, उसको हम किस प्रकार से समयानुकूल और भविष्य को ध्यान में रखकर के कैसे तैयार करें। और जितनी बड़ी मात्रा में हम इस क्षेत्र को बल देंगे, हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। जब मैं मुख्यमंत्री था, यहां बैठता था सामने, एक बार हमारी एक मीटिंग में विषय आया था, पेंडेंसी की चर्चा हो रही थी, एक हाईकोर्ट जज ने जो रिपोर्टिंग किया वो कम से कम मुझे तो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा हमारी कोर्ट तो सप्ताह में 2-3 दिन चलती है, और चलती है वो भी 2-3 घंटे चलती है, तो बोले हम पेंडेंसी कहां से कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा मन कर गया कि मैं पूछूं तो सही, भाई क्या बात है ये। नहीं, बोले कुछ कारण नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग में हम बैठते हैं उसमें उजाला नहीं है और बिजली आती नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, हम न्यायपालिका को बार बार पूछते तो है कि भाई पेंडेंसी क्यों है, लेकिन कोई तो सोचो कि बिजली तक अगर मुहैया नहीं है तो फिर वो कोर्ट कितने घंटे चलेगी, कितने दिन चलेगी, न्याय प्रक्रिया बढ़ेगी कैसे। और इसलिए सारी जिम्मेवारियां एक तरफा नहीं है। और फिर कभी ये भी पता चलता है कि बिजली क्यों नहीं है, तो बोले कोई 5-स्टार एक्टिविस्ट कोर्ट में चला गया था, तो वो स्टे ले आया था, तो वहां वो खंभा डालना मना है। अब बताइए कहां जाए बात कहां जाकर के रुकती है। और इसलिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सभी इकाइयां मिलकर के सही दिशा में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे तो इन चीजों को पार करना कठिन नहीं है। हम चाहते हैं डिजिटल इंडिया, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन प्रोग्राम है। ये डिजिटल इंडिया में मेरा अनुभव भी कहता है, हम जितना जल्दी टेक्नोलॉजी का